स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं कृपाली पटोलिया और आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में। भोजन जिसका डायरेक्ट संबंध है हमारे स्वास्थ्य से। दुनिया आज इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है दोस्तों, और हम अपना स्वास्थ्य कई पीछे छोड़ आए हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है दोस्तों, आज जितने लोग भूख से नहीं मरते उससे कई गुना ज्यादा लोग कुछ भी खा लेने से मरते हैं। पैसों का उपयोग हम पेट भरने के लिए नहीं, ठूस ठूस के भरने के लिए करते हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है दोस्तों कि हम इतने समझदार होके भी पता नहीं क्यों ना समझी वाला काम करते हैं। ज्यादा खाने की बात तो छोड़ो, क्या खाना, क्यों खाना, कितना खाना कुछ नहीं सोचते। फूड और स्वास्थ्य के बारे में रिसर्च करके मैंने ये वीडियो बनाई है, और आशा रखती हूँ दोस्तों कि आप पूरी वीडियो देखकर आपकी लाइफ में जरूर कुछ वैल्यू ऐड हो पाएगी। दोस्तों, हम अपना ड्रीम्स पूरा करने के लिए 12, 15, 16 घंटे काम करते हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि हमारे ड्रीम्स हमारी खुशियाँ लाइफ में बहुत अहमियत रखती है। पर हमारी लाइफ जिस पे डिपेंडेंट है वो है हमारा बॉडी, और हमारा बॉडी जिस पे डिपेंडेंट है वो है हमारा खाना। तो हमारा खाना क्यों शुद्ध नहीं होना चाहिए? सब सोचते हैं कि कहाँ से ज़्यादा आय की जाए, कहाँ से ज़्यादा इनकम की जाए। सब सही है दोस्तों, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़े रेस्टोरेंट में खाना, वैसे तो सब अच्छा है, पर कुछ हद तक। अगर हम अपना स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं देते हैं तो फिर जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो फिर इन सब चीज़ों का क्या काम? बहुत ही कम लोग गूगल पे ये सर्च करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या स्वास्थ्यवर्धक है और क्या स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। दोस्तों, आजकल अच्छा खाना किसका बोलते हैं पता है? जो स्वाद में अच्छा हो, जो टेस्ट में बढ़िया हो, उसे आज अच्छा खाना बोलते हैं। चाहे फिर वो पचने में भारी हो, पेट हमारा पचा पाए या फिर ना पचा पाए। बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम सुनकर और उसके दाम सुनकर हम ये मान लेते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छा खाना है, ये तो बहुत बढ़िया खाना है। पर दोस्तों, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड हमारे पेट खराब करने में, हमारे पैसे लूटने में, हमारे स्वास्थ्य को खराब करने में हमें कहीं नहीं छोड़ते। दोस्तों, ऑनियन, जेगरी, मिल्क, हम सब जानते हैं कि इन सब का कॉम्बिनेशन हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान करता है क्योंकि ये सब तो विपरीत आहार है। पर दोस्तों, बाहर के खाने में आप देख सकते हैं कि ऑनियन के ऊपर मिल्क की अलग अलग क्रीम प्रोडक्ट ही तो परोसी जाती है। आज 80% स्किन के प्रॉब्लम्स है वो दूध के साथ मिलाई हुई नमक या फिर खट्टी चीज़ों की वजह से होते हैं। आप किसी भी स्किन के डॉक्टर से ये बात पूछ सकते हैं। पनीर, चीज़, मेयोनीज, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें मोटापा लाने में काम करती है। दोस्तों, फिर भी हम पनीर, चीज़, मेयोनीज बहुत खाते हैं कि नहीं? इसकी जगह क्यों ना हम दूध या दूध से बनी कोई डायरेक्ट जो प्रोडक्ट हो, दही हो, मक्खन हो, ऐसी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? जिसका नाम सुन के हम सबके मुंह में पानी आ जाता है वो है फास्ट फूड। पर फास्ट फूड में क्या होता है? फास्ट फूड में ज़्यादा मात्रा में ऑयल, मैदा जो कि कभी नहीं पचता है, फुल ऑफ स्टार्च, पोटेटो, शुगर, एसिड, प्रिजर्वेटिव और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें कि जो हमारा स्वास्थ्य खराब करने में, जो बड़े बड़े रोग को न्योता देने में हमें कहीं नहीं छोड़ते। क्या दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे भोजन में टेस्ट भी हो और वो खाना स्वास्थ्यवर्धक भी हो? तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जब भी हमें एक्स्ट्रा भूख लगती है, जैसे कि दोपहर को, तो हम जो फूड पैकेट्स बाहर के खाते हैं, फ्राइम्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उन सब की जगह फ्रूट खा सकते हैं, वेजिटेबल सैलेड खा सकते हैं या फिर फ्रूट के जूस पी सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? हाँ दोस्तों, पर फ्रूट जो हम खाते हैं ना वो सीजनल ही खाना है। सीजनल इसीलिए क्योंकि विंटर के समर में और समर के मॉनसून में फ्रूट खाने की वजह ये हो सकता है कि जब लंबे वक्त का फ्रूट को हम फ्रेश रखने जाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, और ये प्रिजर्वेटिव हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है। इसीलिए तो एडवर्ड स्टेनली ने कहा है दोस्तों कि जो आज स्वस्थ खाने के लिए वक्त नहीं निकालता उसे देर सवेर बीमारी के लिए जरूर वक्त निकालना पड़ता है। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज हमारे देश में हर साल 82,000 लोगों की डेथ मोटापे की वजह से होती है, और ये दर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज हमारा देश वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है मोटापे में, और ये अगर ऐसा चलता ही रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जैसे आज अमेरिका में जो इश्यू है, जैसे कि वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं मैकडोनाल्ड और ऐसे इनके जैसे, तो वहाँ के लोगों का टोटली डिपेंडेंसी रेस्टोरेंट के खाने पे ही हो गई है। आज बहुत कम लोग घर पे खाना बनाते हैं,
इसकी वजह से आज वहाँ पे 41.9% लोग एडल्ट लोग जो कि मोटापे से पीड़ित हैं। दोस्तों हमारे पास अभी भी मौका है, हम संभल सकते हैं, अपना डाइट प्लान खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन आप गूगल से ले सकते हैं, कितनी कैलोरी आप कंजम करते हैं, कितनी कैलोरी आपको लेनी चाहिए, सब कुछ आपको प्रॉपरली मिल सकता है। दोस्तों ये चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाएंगे तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट आपको भी होगा और आपके आने वाली पीढ़ी को भी होगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर पेरेंट्स को ही तो फॉलो करते हैं। तो दोस्तों अच्छे काम में देरी किस बात की, आज ही अपना डाइट प्लान रेडी कीजिए और आज ही से फॉलो कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।